नमस्कार दोस्तों, गुजरात की शिल्पा ने बनाया चॉकलेट का राम मंदिर, बोली पीएम मोदी को तोहफे में दूंगी इसे। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया है तब से देश भर में काफ़ी उत्साह का माहौल चल रहा है। इसी बीच अहमदाबाद की रहने वाली एक महिला शिल्पा भट्ट चर्चा में आ गई हैं। दरअसल शिल्पा भट्ट ने कुछ हटकर किया है जिसकी लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। शिल्पा भट्ट ने भगवान राम का चॉकलेट का मंदिर बनाया है। वो एक चॉकलेट मेकर हैं, साथ ही उनकी श्री राम में गहरी आस्था है। संवाददाता ने बताया कि शिल्पा ने 15 किलो चॉकलेट से राम मंदिर तैयार किया है। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। शिल्पा का कहना है कि मैं भगवान श्री राम की इस प्रकृति को प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट करना चाहती हूँ। शिल्पा बोली, 15 किलो चॉकलेट के इस मंदिर को बनाने में मुझे 12 घंटे लगे। इसमें चॉकलेट के पिलर्स और गर्भगृह बनाया गया है। इसके साथ राम मंदिर की तरह एक पूरा तल भी तैयार किया गया है। बकौल शिल्पा, मैं कई सालों से चॉकलेट की अलग अलग प्राकृतिक बनाती आ रही हूँ। ये काम करते हुए मुझे 4 वर्ष हो गए हैं। अब ये भगवान श्री राम की मंदिर की प्राकृतिक मैं प्रधानमंत्री को देना चाहती हूँ। ये चॉकलेट मॉडल उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। पहली दफ़ा देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी धातु से बनाया गया हो। शिल्पा ने कहा कि मैंने इसे तल्लीनता से तैयार किया है, किंतु अगर ये प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच सका तो बाद में इसे छोटे छोटे बच्चों में भगवान राम के प्रसाद के तौर पर बांट दिया जाएगा। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। तो दोस्तों आप किस खबर के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।